टेलीविजन पर रेखा ने बिना अमिताभ बच्चन का नाम लिए कह दी बड़ी बात, चौंक गए सभी लोग। वेल एवर ग्रीन एक्ट्रेस रेखा हाल ही में इंडियन आइडल के सेट्स पर बतौर मेहमान पहुंची हुई थी और शो के दौरान रेखा ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुन के सभी लोग चौंक उठे। शो से रिलेटेड एक क्लिप इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो रही थी जिसमें होस्ट जय भानुसली जी कहते हैं कि रेखा जी ने हूँ, कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए। इतना कहते ही रेखा फौरन कहती है मुझसे पूछिए ना। इसे सुनते ही एक पल के लिए होस्ट जय भानुसली के साथ साथ वहां मौजूद सभी ऑडियंस चौंक जाते हैं, सभी के कान खड़े हो जाते हैं। इसके बाद रेखा कहती है मैंने कुछ नहीं कहा। इसे सुन शो के जज नेहा कक्कड़ और विशाल डडलानी अपनी हंसी रोक नहीं पाते। होस्ट जय भानुसली भी कह उठते हैं कि क्या बात है, ये क्या लगा सिक्सर। वेल वो कहते हैं ना आकाशवाणी सिर्फ एक बार होती है, समझ लीजिए कुछ ऐसा ही हुआ है सेट पर। वेल आपको बता दे कि रेखा का इशारा सीधा अमिताभ बच्चन की तरफ था। एक समय था जब रेखा और अमिताभ बच्चन रिलेशन में थे। स्वर्गीय यश चोपड़ा की ब्लॉकबस्टर सिलसिला फिल्म के बाद दोनों ने एक साथ काम कभी नहीं किया। यहाँ तक कि ज़्यादातर बॉलीवुड इवेंट्स पर जब दोनों को इनवाइट किया जाता है, ऑर्गेनाइजर और उसके मैनेजर ये मेक श्योर करते हैं कि इवेंट पर दोनों की एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग मैच ना हो। वेल आज के टाइम में शायद ही हमें अमिताभ और रेखा रियल लाइफ में साथ में देखने को मिले, लेकिन दोनों की लव स्टोरी क्लासिक लव स्टोरी में से एक है। वेल आपका क्या कहना है, आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा ज़रूर दबाएं।